हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू टेंडर कुही। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिशर प्राइस के किक एंड प्ले पियानो जिम का रिव्यू एंड असेंबली वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ लाइफ अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। कुही 21 मंथ्स की हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक बच्चों को घर में एंगेज रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एंड मेरा सारा ध्यान एंड टाइम इसी में चला जाता है। इसी कारण से मैं यूट्यूब पे भी रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई पिछले कुछ महीनों में, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो लेके आऊँ। बाय द वे, यहाँ पे कोई दिलेर मेहंदी के तुनक तुनक तुन दादा दा सॉन्ग पे डांस कर रही है। आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पियानो जिम इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसे आप 0 मंथ प्लस बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। जब तक बेबी टॉडलर है वो इसे यूज़ कर सकता है। इसे 4 तरह से बेबी यूज़ कर सकता है, जैसे कि बेबी लेट कर जो है अपने पैरों से पियानो को बजा सकता है, जैसे कि इस फोटो में शो हो रहा है। दूसरा, टमी टाइम के दौरान बेबी जो है टॉयज से प्ले कर सकता है। तीसरा, बेबी बैठ कर जो है पियानो को प्ले कर सकता है। चौथा, पियानो डिटैच हो जाता है और बेबी उसको लेकर कहीं भी जा सकता है। तो कुही अभी इसी स्टेज में है, हमने पियानो को डिटैच कर रखा है एंड कुही उसको अकॉर्डिंगली प्ले करती रहती है। इस पियानो जिम में जो म्यूज़िक है वो 15 मिनट्स तक बजता रहता है। इसके अलावा इसमें 5 एक्टिविटी टॉयज़ भी आते हैं जो बेबी को एंगेज रखने में हेल्प करते हैं। ये बेबी की डिफरेंट डेवलपमेंट्स में भी हेल्प करता है। ये बेबी की ग्रॉस मोटर स्किल में, सेंसरी डेवलपमेंट में एंड क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे भी मेंशन किया गया है एंड आप इसके बारे में जो है बैक साइड पे डिटेल में लिखा गया है, तो आप उसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि ये बेबी की किस तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसका जो MRP है वो है 3999। मैं इसका परचेज लिंक आपको दे दूंगी। शायद ये वाला मॉडल डिसकॉन्टिन्यू हो गया है, तो जो भी अभी मॉडल अवेलेबल है मैं उसका परचेज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। इसमें 2 म्यूज़िकल मोड्स होते हैं, जिसमें कि एक मोड में अगर आप करेंगे तो उसमें 15 मिनट तक म्यूज़िक जो है कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा और दूसरे मोड में जैसे ही बेबी किक करता है वैसे ही साउंड आती है। तो यहाँ पर जो टॉयज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि जैसे मिरर है तो वो सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करता है, बेबी उसको देख के बहुत अट्रैक्टिव होता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉयज जो दिए गए हैं वो बेबी को बिजी रखने में, एंगेज रखने में और एक बेबी उनके साथ प्ले करता है। तो आइए देखते हैं कि इसको असेंबल किस तरह से करना है। सबसे पहले मैंने सारे पार्ट्स को निकाल कर यहाँ पे रख लिया है। तो इसका जो मिरर वाला पार्ट था वो मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया है। सो सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों साइड्स हैं उसको मैं रख लूँगी और उसमें एक नट जैसा चीज़ दिया गया है, ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, इसकी हेल्प से जो मैं पियानो को है इस पर अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो पियानो है वो एक साइड में अटैच हो गया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी पियानो को अटैच कर दूंगी। तो जब आपका बेबी बड़ा हो गया और आपको पियानो को सिटिंग पोजीशन में रखना है तो आप पियानो को इस पोजीशन में रखेंगे। अगर आपका बेबी छोटा है और आप बेबी को लेटा के पियानो यूज़ करते हैं तो आप इस जो पियानो है उसको आप फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे अभी हम पियानो को जो है वो नीचे वाले मैट के साथ अटैच कर रहे हैं, तो इसके लिए दी गई रोप्स को आपको लूप में से निकाल के सिंपली टाई कर देना है। ये असेंबल करना बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप देख सकते हैं जैसे मैं वीडियो में शो कर रही हूँ सिंपली वैसे ही आपको रोप्स को टाई करना है एंड इसी तरह से ही आपका असेंबल हो जाएगा। बाकी साइड्स में भी आपको लूप एंड रोप दी गई है, आपको बाकी जगह से भी आपको रोप्स को लूप में से निकाल लेना है ताकि अगर बेबी मूव करे तो मैट मूव ना करे। आप इस प्ले जिम को विद मैट भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट मैट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बेबी बेड पे लेटा हुआ है या आपने बेबी की कॉट ले रखी है तो आप बिना मैट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपको भी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि उसमें सिंपली आपको अगर बेबी लेटा हुआ है ऑलरेडी तो ऊपर से आप जो है बिना मैट के आप प्ले जिम को रख सकते हैं, जिससे कि आपको बेबी को उठा के प्ले जिम पे बार बार लेटाना नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैंने टॉय बार भी इंस्टॉल कर लिया है। इसी तरह से आप बाकी रोप्स को भी लूप में से निकाल लीजिएगा
एंड ये आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट एक पियानो जिम है जो बेबी को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बेबी इनिशियली जो है ऊपर छत की तरफ ही देखता रहता है। तो अगर आप उसको इस तरह का कोई टॉय देंगे तो वो बेबी को हेल्प करेगा एंगेज रखने में, और उसको बहुत कलरफुल चीज़ें दिखेगी, वो पैरों की एक्टिविटी होगी क्योंकि वो पियानो को बजाएगा और हाथों से वो टॉय को खेलेगा, तो उसकी आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है बेबी का। तो यहाँ पे मैं आपको पियानो को जो की है वो दिखा रही हूँ। पियानो की की बहुत सॉफ्ट है। यहाँ पे ये जो टॉय है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये जो टाइगर वाला है उसमें आपको, टाइगर या कैट वाला है उसमें आपको प्लास्टिक दिया गया है, तो वो प्लास्टिक जब बेबी क्रश करता है तो उसको एक बहुत अच्छी सी साउंड आती है। फ्रॉग वाले में एक बॉल है जो बेबी मूव कर सकता है। बाकी एलिफेंट वाले टॉय हैं, यहाँ से आप पियानो की साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। पियानो की साउंड जो है बेबी के कानों के हिसाब से बनाई गई है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और यहाँ पे आप मोड्स एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको 15 मिनट कॉन्टिन्यूस बजने वाला लगाना है, या फिर बेबी जब किक करे तभी बजे। और इसी तरह से आप पियानो को अगर बेबी बैठने लगा है तो वो बैठकर ऐसे प्ले कर सकता है, तो आप उसको मूव कर सकते हैं पियानो को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इन ऑल एक बहुत गिफ्ट के पर्सपेक्टिव से भी एक बहुत ही अच्छा टॉय है मैं कहूँगी, और बहुत कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव है। यहाँ पे मैं आगे कुछ फोटोज़ एंड क्लिप्स ऐड करूँगी कि बेबी जब कूही इसको यूज़ करती थी तो वो कितनी हैप्पी आपको इस फोटोज़ और वीडियोस में दिखेगी। यहाँ पे जो मेरा एक मिरर वाला भी अटैचमेंट था वो मेरे से मिसप्लेस हो गया है, तो मिरर भी बेबी को रिफ्लेक्ट करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, एंड आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेंडर कुही। जाते जाते कुही आपसे कुछ कहना चाहती है। कुही ने आप सबको क्या कहा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।